सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दिन आखिरकार लौट गए। आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर ही लिया। वह पिछले वर्ष जुलाई में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे, लेकिन मंत्री बनने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा, या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें लटका दिया था, लंबा इंतजार करवाया। राजनीतिक गलियारों में ऐसी कयासबाजी है कि प्रदेश के राजभर केंद्रीय नेतृत्व की दखल के बाद ही मंत्री बन पा रहे हैं। एनडीए में शामिल होने और मंत्री बनने के बीच उन्हें मंत्री पद पाने के लिए कई बार दबाव भी बनाना पड़ गया। राजभर ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि अगर उन्हें राजपाट नहीं मिला तो वह होली नहीं मनाएंगे। माना गया कि उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए ऐसा बयान दिया था। राजभर योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री पद पर थे, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा के गठबंधन में शामिल हो गए। विधानसभा में सपा सरकार नहीं बन पाई। इसके बाद उनके अखिलेश यादव के बीच दूरियां बननी शुरू हो गई। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं, उनके राज में पिछड़ों का कोई भी लाभ नहीं हुआ। अपने बयानों से राजभर ने सपा नेतृत्व से दूरियां बढ़ाने का संकेत दिया और फिर दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल हो गए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व यूपी की 80 सीटों में खासतौर पर फोकस कर रहा है। ओपी राजभर का प्रभाव प्रदेश के कुछ सीटों पर है। वह खुद तो चुनाव जीतने या हारने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन उनके साथ या खिलाफ होने से राजनीतिक समीकरणों पर ज़रूर फर्क पड़ता है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश ने और लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने राजभर को अपने पाले में करने की कोशिश की और अब मंत्री पद देकर राजभर को और राजभर समाज को साधने की कोशिश की। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को आखिरकार होली से पहले ही राजपाट मिल गया। बकौल राजभर 2019 में होली पर उन्होंने मंत्री पद छोड़ा था, तब से उन्होंने अभी तक कोई होली नहीं मनाई। अब होली से पहले फिर से राजपाट मिलने पर 4 साल बाद इस बार होली राजभर जरूर मनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में राजभर सहित अन्य अति पिछड़ी जातियों को साथ लेकर 2002 में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की थी। 2017 में सुभाषपा ने भाजपा के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ा। सुभाषपा ने 3 सीटें जीती थी। ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया, लेकिन योगी सरकार से मनमुटाव के चलते ओम प्रकाश राजभर ने मार्च 2019 में इस्तीफा देकर सरकार से अलग हो गए। लोकसभा चुनाव 2019 में सुभाषपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। सुभाषपा और सपा के गठबंधन के कारण भाजपा को पूर्वांचल में करीब 10 से 15 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ गया। वहीं ओम प्रकाश राजभर को भी 6 सीटें मिली, लेकिन सपा के साथ उनका गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। जुलाई 2023 में ओम प्रकाश राजभर सपा से गठबंधन तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो गए। तब से ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के इंतजार में बैठे थे, तमाम बयान दिए, कई तरह से दबाव बनाया और आखिरकार ऐन चुनाव से ठीक पहले राजभर को मंत्री पद दे करके अति पिछड़ों और राजभर जाति को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है, इसके साथ ही लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस सरकार से सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।